हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 के गणित की सप्ताह 14 की वर्कशीट, जिसमें हम करेंगे कुछ आकृतियों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को सॉल्व करना। प्रश्न नंबर 1 देखिए, आकृति का की ऊर्ध्वाकार अथवा क्षैतिज रेखाओं में से आप दर्पण कौन सी रेखा पर रखेंगे ताकि आपको आकार कहाँ मिले, दी गई जगह में उत्तर लिखें। बच्चे, यहाँ पर दो तरह की रेखाओं के बारे में बताया गया है, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा। बच्चों, ये जो रेखा होती है खड़ी वाली, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, और जो ये लेटी हुई रेखा होती है ऐसी रेखाओं को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि दर्पण यानी शीशे को हम इस तरह इस रखें खड़ा हुआ, या फिर हम इसको शीशे को ऐसे लटाकर रखें इस स्थिति में, जिससे कि हमें ऐसी आकृति मिल जाए। तो बच्चों, जब हम शीशे को इस तरह रखेंगे तो क्या होगा, ये वाली आकृति शीशे में दिखाई देगी और फिर हमें बिल्कुल ऐसी ही आकृति मिल जाएगी। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम कि ऊर्ध्वाधर रेखा में दर्पण को रखने पर हमें ऐसी आकृति मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। आधा घुमाने के बाद नीचे की कौन सी आकृति पहले जैसी दिखेगी। बच्चों, इस आकृति जैसी ये आकृति है। आधा घुमाने का मतलब है कि आप इसको ऐसे रख देंगे, इतना घुमाना है, और आधा घुमाने के बाद आकृति अगर पहले जैसी दिखेगी तो वहाँ पर हाँ लिखना है। तो बच्चों, आपको बताना है कि कौन सी आकृति पहले जैसी दिखेगी। पहली आकृति को अगर हम आधा नीचे घुमा कर देंगे तो दिखेगी हाँ, दूसरी आकृति भी पहले जैसी ही दिखेगी, हम उत्तर लिखते हैं हाँ, तीसरी आकृति ये वाली आकृति भी पहले जैसी दिखेगी, हमने उत्तर लिख दिया हाँ, यह वाली आकृति भी पहले जैसी दिखेगी, इसलिए हम हाँ लिखेंगे। यह वाली आकृति भी पहले जैसी दिखेगी, हम उत्तर लिखेंगे हाँ, लेकिन ये वाली आकृति पहले जैसी नहीं दिखेगी, तो हम उत्तर लिखते हैं नहीं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। इनमें से कौन सा अंग्रेजी का शब्द आधा घुमाने के बाद पहले जैसा ही दिखेगा। अब आपको क्या करना है कि इन शब्दों को आधा घुमाना है, यानी आपको इनको यहाँ तक ऐसे घुमा देना है, फिर आपको देखना है कि क्या ये शब्द पहले जैसे ही दिखेंगे। अगर दिखेंगे तो हाँ लिखना है, वरना नहीं लिखना है। हम एक काम करते हैं, हम इन सभी शब्दों को पहले आधा घुमाकर देख लेते हैं। पहले वाले शब्द को जब आधा घुमाएंगे तो वो ऐसा दिखेगा, दूसरा शब्द हमको आधा घुमाने पर ऐसा दिखेगा, तीसरा शब्द हमको इस तरह का दिखेगा घुमाने पर, और चौथा शब्द हमको आधा घुमाने पर इस तरह का दिखेगा, पांचवा शब्द जब घुमाएंगे तो ऐसा दिखेगा। तो हमने इसमें क्या देखा कि सिर्फ ये वाला जो शब्द है ये पहले जैसा नहीं दिखेगा जब हम इसको आधा घुमा लेंगे, बाकी सारे ही शब्द पहले जैसे दिखेंगे, हम उसमें हाँ लिख देते हैं। प्रश्न 4 देखिए, निम्नलिखित अक्षर आधा घुमाने के बाद जैसे दिखेंगे वैसा बनाएं। अब क्या करना है, इन अक्षरों को आधा घुमा के ऐसे कर देना है और लिखना है कि वे कैसे दिखेंगे। जैसे पहला देखिए, हमने इसको आधा घुमाया तो ऐसे दिखेगा, दूसरा अक्षर इस तरह का दिखेगा, तीसरे वाले को जब हम आधा घुमाएंगे तो वो ऐसा नज़र आएगा, इसको हम जब आधा घुमाएंगे तो इस तरह का नज़र आएगा। आगे देखते हैं, 1, 2, 3 और 4 अंकों की ऐसी दो संख्याओं को लिखिए जो आधा घुमाने के बाद समान दिखती हैं। ऐसी संख्याएं हम नीचे लिखने की कोशिश करते हैं। एक अंक की संख्या जिसको हम आधा घुमाएंगे तो वो एक लगेगी बिल्कुल पहले जैसी, 0 को जब आधा घुमा देंगे तो वह भी पहले जैसा ही दिखेगा, और 8 को जब आधा घुमाएंगे तो वह भी पहले जैसा ही दिखेगा। 2 अंकों की ऐसी संख्याएं होंगी 11 और 88, 3 अंकों की संख्याएं होंगी 101, 181 और 818, क्योंकि जब हम इनको आधा घुमा देंगे तो ये बिल्कुल पहले जैसे ही दिखेंगी। 4 अंकों की संख्या होगी 1881, 1001 और 8118। बच्चों, यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट खत्म होती है। बाकी सब्जेक्ट की वर्कशीट्स के आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।